तेरे बेंदिया बेंदिया दौर बदलता गबरूने अहंकार निरुतबा हीरे पनीर वाले दा देखी मटला तरका आंख आंख बड़का राजस्थानों तो यहाँ नहीं आए साडा प्यार खिंच के लिया क्या हीरा अच्छा क्या हीरा गाइस आज हमारे साथ है हीरा पनीर वाले के दमन भैया जिनका पनीर अमृतसर में नहीं पूरी दुनिया में बोलता है सही का भैया देखिए पनीर गुरजी ये इनकी बहुत फेमस है और जरूर सी बात है मैं ये ट्राई करूंगा अब इनकी पूरी पनीर की भुर्जी की मेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे और करेंगे इनसे कुछ एंटरटेनमेंट कुछ फनी बातें जिससे इनका मन लगा रहे ऐसे नहीं है कि ये औरों की तरह बस पनीर भुर्जी बनाई या सब्जी बनाई इनके बोलने का अंदाज और इनके बहुत प्यारा है और उतना ही प्यारा इनके खिलाने का अंदाज है तो बने रहिए हमारे चैनल और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन दबाइए दोस्तों पनीर भुर्जी आपने बहुत खाई होगी पर यहाँ की पनीर भुर्जी की खासियत यही है वो आपको इस वीडियो में पता लगेगी ये देखिए ये क्या है भैया ये प्यार ये सारा प्यार है देसी घी वाला या मक्खन वाला अरे वाह और ये आ गई अदरक मिर्ची ये देखो ये देखिए भैया कितने टाइम से लगा रहे पनीर भुर्जी बनाते मैं सात साल हो गए इनके पनीर भुर्जी के बनाने का स्टाइल जो देखेंगे ना आप वो वाकई में बहुत औसम लगेगा ये पनीर भुर्जी के बनाने के साथ साथ जो कहते हैं ना स्टाइल और अपने एक्सटेंट के लिए भी जाने जाते हैं ओ भाई लगे प्यार तो प्रावक कितने प्यार डालोगे डायबिटीज हो जाएगी पंजाब चलते प्यार से फिरते यार राजस्थानों तो एवं नहीं आए साडा प्यार खिंच के लिया ये बात प्यार खिंच के लिया खिंच के लिया प्यार होना वा वो तुम अभी पता लगना वाकई प्यार है आपकी भुर्जी और औरों की भुर्जी में क्या डिफरेंस है थोड़ा डिटेल में बता दें खाके तो हम बताएंगे पर आप थोड़ा डिटेल में बता दें डिफरेंस यही है आपा काम करी खुश नसीब ना खुश दिली ना ठीक है छड़ के काम नहीं करीदा ये साडा प्यार है जरा खिंच के तहु लिया क्यों लिया इसे करके लिया साडा खुश दे ला तद आए तुम देखी मटला तड़का खंड बड़का तेरे बेंदे हैं दौर बदलता गबरूने अहंकार निरुतबा हीरे पनीर वाले दा वाह वाह ये देखो इन मैंने बताया ना इनके स्वैग और इनके बनाने का स्टाइल ना वाकई में बहुत औसम है बिल्कुल जो लग रहा है ना ऐसा कैनेडियन एक्सेंट वाला लग रहा है पारी ऐसा लग रहा है जैसे कैनेडा से पूरा सीखे है सही कह रहा पारी कैनेडा तो देखे नहीं है कैनेडा जाना वहां आज लिया करके तुम्हें क्योंकि इतने पंजाब एक रूल है जो बंदा तरक्की कर रहा है गोली आ ये देखिए रूह अच्छा हीरा पनीर वाले का रूह वो पैना है पनीर 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 हाँ पनीर पैना पनीर भाजी पनीर का खुद का होता है पनीर मजा ने दुद्ध दुद्ध हाटे खुद मर गया ही बनाई दी जा रूह अपना ये देखिए कलर देखिए ट्रेलर चलना पा वा हले ट्रेलर चलने आगे तो कर दी हले अभी तो फिल्म असली बननी बाकी है ना रखा हीरा पनीर वाला सारा दूध आज पनीर पाऊ
मक्खन मिर्ची का तड़का कैमरा लागे करो तुम जी भाई लोगों का पनीर भुर्जी पनीर घोलता नहीं है चेक कर लो ये देखिए ये जो रंगत देखिए ये रंगत है ना वाकई में बहुत प्यारा रंग है ये हीरा भाई का प्यार है ये आ गया गरम मसाले नमक हेलो गांगी जाने वाले मेरे ये देखिए पूरी तैयार हो गई है पूरी तैयार हो गई है पूरी तैयार हो गई ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁਰਜੀ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣ ਆਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੀਰੇ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਊਗਾ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਯੇ ਸਵੈਗ ਹੀਰਾ ਭਾਈ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੀਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਹੀਰਾ ਵਾਕਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕੇ ਛਾਇਆ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਘਮਾਓ ਇਹਦਾ मेहनत बोलती मेहनत करके बने हर वीडियो रो रो के हाड़े नहीं कटे साडा काम नहीं चलता काम करो रब कहता मेहनत तेरी रहमत मेरी चंगी नीयत ना करो रब तुहानू भी दऊगा जे अज हीरा बनया गुरामदास सिर ते बनया अपने मामे दे सिर ते बनया अपने मां प्यो दे सिर ते बनया तुहाडे भरावां दे पैरां पिछे बनया सब तुहाडा प्यार है जिहड़े हीरा बनया आ हीरा हीरा बनाया तुसीं बनाया ठीक है ना मैं कला उंगली च पाउण वाला हीरा नहीं आ हीरा बनया तुहाडे सिर तों बनया एक ठोके बनया बिल्कुल आ गया हीरा आ गया हीरा हीरा भाई आपके हार्डवर्क तो बहुत दिखते हैं आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा आपकी वॉइस से लग रहा है और लिटरली और ये देखिए पनीर की जो रंगत है ना वो 7 साल के एक्सपीरियंस को बता रही है और हीरा भाई की मेहनत को बता रही है तो फटाफट से हम पनीर भुर्जी को ट्राई करते हैं ब्रेड के साथ और फटाफट से आपके साथ रिव्यू करेंगे कि क्या उसका टेस्ट रहता है तो गाइस ये देखिए ये सर्व हुई है ब्राउन ब्रेड और पनीर भुर्जी जिसमें डला है घी मक्खन और दो तरह की चटनी टेस्ट करके बताते हैं अदरक का जो टेस्ट है ना यूजली क्या होता है सब्जी बनाते वक्त ना जो कुछ जो ढाबे वाले होते हैं कुक होते हैं शेफ होते हैं वो सब्जी को इतना मैश कर देते हैं इसमें रखी खड़ी सब्जी है ताकि एक ही सब्जी का फीलिंग आए पनीर की ऐसी हालत है कि मेल्ट ही ना माउथ अगर आप पंजाबी हो ना तो भैया ऑयल वॉयल की चिंता मत करो फिर पंजाब में आपको हर चीज़ में देसी घी ऑयल मक्खन देखने को मिलेगा ही और आपने खुद ने देख लिया वीडियो में कितना घी तेल मक्खन डाला एक एक बाइट का रिव्यू करने लगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना है फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तब तक के लिए गुड बाय